का शो कर रहे हैं आप लोग और 15th अगस्त अराउंड द कॉर्नर है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शो के बारे में बताइए, क्या आइडिया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कहना कुछ नहीं है, ये वो चीज़ है जो हमें अपने देश को देनी है। इस जिस मिट्टी पे हमारा जन्म हुआ है उस मिट्टी के लिए प्राउड फील करना और प्राउड फील कराना, ये हमारी पहली ड्यूटी है। और ये छोटा सा एक ऋण है जो हर साल मैं चुकाता हूँ। आज संजोग है कि मुंबई की धरती पर ये मौका मुझे मिला है। हर साल कभी भुवनेश्वर मिलता है, कभी रांची मिलता है, कभी कलकत्ता मिलता है। कार्यक्रम तो मेरा हर साल होता है, ये शान तिरंगा है। इसलिए 8 साल से इस कार्यक्रम को मैं लेके जा रहा हूँ। आज यहाँ 200 लोग थे, भुवनेश्वर में 2000 लोग रहते हैं, रांची में 1000 लोग रहते हैं। और मैं हर एक अपने मित्र से, अपने पत्रकार मित्र से, अपने साथी मित्र से, अपने कॉर्पोरेट से आग्रह करूँगा कि साल में एक दिन कम से कम उस तिरंगे की शान के लिए वो डिवोट करें और अपने बच्चों के अंदर, अपने यूथ के अंदर इस तिरंगे की शान को और ज़्यादा कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ओलंपिक में हमारे बच्चों ने मेडल जीते, उसी तरह से हम हर खेल के अंदर अपना नाम, आप देखो ना, कांस्य पदक की तालिका में हमारा नाम ऊपर होता है, गोल्ड में नहीं होता है। वाई 130-135 करोड़ की हमारी आज आबादी है, चाइना के बाद हम सेकेंड नंबर पे हैं, लेकिन पदक तालिका में 78 नंबर पे होते हैं। मैं चाहूँगा इस तिरंगे की मेहरबानी से, इस तिरंगे के आशीर्वाद से हम सभी के अंदर में वो देशभक्ति आ जाए, जिस देशभक्ति की वजह से हर एक बच्चा, हर एक नागरिक तिरंगे के लिए, सम्मान के लिए काम करे। यही मेरी प्रेरणा था जो मैंने आज ये कार्यक्रम किया। भाई प्रमोद जी, देखिए आज हम सब जो है तिरंगे के लिए नतमस्तक हैं। तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता हमारे लिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे बड़े भाई पवन भूत जी के साथ में इस तिरंगे की जगह कुछ कर पाया हूँ और आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। तो बस आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलूँगा कि आप सब मीडिया आए और हमें ये हौसला अफजाई देते हैं आप हमेशा हमारे इवेंट को लेकर के। तो बस ऐसे ही तिरंगे के लिए आपके दिल में ये जज्बात बना रहे और हम सब जो है कुछ नया करने की इच्छा दिल में रखें और अपने इस तिरंगे के लोग आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे लोगों को सम्मान दें और उनको हम सम्मान से जो है नवाजें। बस ये हमारी है कि अच्छे लोग मिले हमें और अच्छा हम उनके साथ कार्य कर पाए। सर, कई लोगों को आज जो डॉक्टरेट भी दिया गया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी बोस्टन में, पिछले 5 साल में हम लोगों ने 148 लोगों को डॉक्टरेट दी है, जिसमें मनोज वाजपेयी हैं आपके मुंबई में, विवेक ओबराय हैं, विवेक बिंद्रा हैं, भाग्यश्री हैं, चंकी पांडे हैं, कॉर्पोरेट के करीबन 10 बड़े घराने हैं, असरानी जी हैं, साथ में डोना गांगुली आज यहाँ आने वाली थी, फिर कोई ना कोई कारण लगाया कलकत्ता में वो फिर एक बार मेरे साथ नहीं आ पाई, सौरभ जी की वाइफ। तो ये ऑलरेडी डॉक्टरेट का जो काम है वो भी सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रेरणा देने का काम है कि जो अच्छा काम करते हैं हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, एक उत्साह देने के लिए काम करते हैं। और ये हमारे साल में 10 से 12 कार्यक्रम होते हैं, कभी दुबई में, कभी चाइना में, कभी कलकत्ता में, कभी आपके बम्बई में, कभी दिल्ली में। हम चाहेंगे आप लोगों को, जिसको भी अगर इस तरह का कोई बंदा आपके पास है जिसको कि हमें सचमुच में सम्मानित करके आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल आप हमें रेफर कर सकते हैं, हम उसके लिए आगे प्रयास करेंगे, यूनिवर्सिटी उसको सम्मानित करें। थैंक यू। दोस्तों बस ये कि यार कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया लेके आए मार्केट में, कुछ नई चीज़ों को जो है आपके थ्रू जो है बता सके, कह सके। तो बस जल्दी हम कुछ एक नया सेगमेंट, एक नया कुछ अचीवमेंट लाएंगे और आप सबके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे नए यूथ और नए लोगों को हम आगे लेके बढ़ें और आगे कार्य करें। इसके अलावा हमारी कुछ फिल्में भी आ रही, वेब सीरीज भी आ रही, वो भी हम जो है टाइम टाइम पर आपको अपडेट करते रहेंगे। और इवेंट हमारा चल ही रहा है, जैसा आपने देखा कि बहुत सारे यूथ देखे, यहाँ बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे डांस किए, प्रोग्राम किए। आज देखिए हमारे लिए तिरंगा जो है कितना अहम हो गया है कि हम तिरंगे को जो है अपने साथ में, देखिए ये होते ना कि लपेट के हम जो है बोलते हैं गर्व महसूस कर रहे हैं, और हम ये जो है तिरंगे को जो है देखिए आज हमारे साथ में जो है ऐसे लोग हैं जो अपने दिल को जो है अपने अंदर जो तिरंगा लेके घूमते हैं। आज देखिए हमारी कितनी ऐसी जो है मॉडल्स हैं जो कि अपने आप को जो है गर्व मानते हैं आज हम इस इवेंट में अपने देश के लिए तिरंगे पर हमने आज जो है रैंक पहुँचा। मैं पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर तनु भाई टेलर, आज मैं पवन भाई का प्रोग्राम में मैं सूरत से आया हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो लोगों को डॉक्टर की डिग्री
15 अगस्त के म्यूजिक में मिल रही है तिरंगा के, तो ये लोग बहुत नसीबदार लोग हैं। तो जिसको डॉक्टर की डिग्री मिल रही है समाज में उनका आपो आप वैल्यू बढ़ जाएगा। ये कोई ऑर्डिनरी डिग्री नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी जब डिग्री दे रहा है तब ये डिग्री का महत्व आपो आप बढ़ जाता है। और मैं सबको यही बात कहता हूँ, सबको बधाई देता हूँ कि मेरे हाथों से आज 11 लोगों को डॉक्टर की डिग्री दे दी है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं तो शरीर से बिल्कुल अपाहिज हूँ, मेरा शरीर का एक भी भाग चलता नहीं है। तो अभी मैं आज सूरत में मेरे डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के स्कूल में आज 38,000 बच्चे पढ़ के निकल गए। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS अधिकारी है, बड़े बड़े लोग आज हैं, कोई बेकार नहीं है। मैं आप ये मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको कोई दिव्यांग मिले तो ज़रूर मेरा संपर्क करवाना। मैं उनको 1 से 12 दोनों के स्कूल में पढ़ाऊँगा, BCA कॉलेज कराऊँगा, उसका ऑपरेशन करवाऊँगा। उनको पढ़ने के बाद BCA कॉलेज के बाद उसको जॉब भी दिलाने का, उसको शादी भी करवाने की सब जिम्मेदारी ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया दे लेगी। एक भी पैसा दिव्यांग को देने का नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज में वहाँ पढ़ने का है। मैं ये मीडिया के माध्यम से फिर से आपको प्रार्थना करता हूँ कि आपके चैनल में ये मैसेज जरूर जरूर आप लोग देंगे तो भगवान का आपके पर आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और जिसको डॉक्टर की डिग्री दी है उसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन के साथ पवन भाई को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। भारत माता की जय। नमस्ते। आज बहुत खुशी हो रही है कि पुलिस पब्लिक प्रेस के तरफ से हमें डॉक्टरेट मिला है। मेरा नाम श्री संजय कुमार महाकुर है। इनोवेटिव क्रिएटिव के लिए मुझे डॉक्टरेट मिला है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, कटक से। तो आज का दिन एक बेहतरीन दिन है मेरे लिए, एक बहुत ही सुनहरा दिन है, जो कि अच्छे काम के लिए जो आजकल डॉक्टरेट मिल रहे हैं उनमें से ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की मौका है। मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन करता है। जैसे अमेरिका के जैसे ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी से हमको डॉक्टरेट मिला है तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और हम यकीन करते हैं कि आगे हम इस साल जिनको मिला है अगले दिन इनको मिलेगा। ये अच्छे काम करते हैं जिनके लिए इनको रिकॉग्निशन मिलता है। आगे जाके हम सबको ये अच्छे काम करना है। और पवन जी को स्पेशल मेरे को, मैं आप उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। मैंने मैंने थैंक्स टू पवन जी जो इतने अच्छे अवार्ड ऑर्गेनाइज किए हैं और हमें इसके लिए काबिल समझा, ये हमारे कुछ नसीब है। थैंक यू। शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं दिल्ली में स्कूल चलाता हूँ। आज अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए और समाज में एक अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पवन वत्स जी का कि मैं आज डॉक्टर रवि कुमार के नाम से सम्मानित होऊंगा और आगे भी इसी नाम से सम्मानित किया जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो भारत माता की जी और आप सबको नमस्ते। आज एक स्पेशल कॉज के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जो ऑर्चर्ड में हुआ है और मैंने उसमें एज अ शो स्टॉपर की एक भूमिका निभाई है छोटी सी, एंड उसका पूरा श्रेय मितेश जी को जाता है और इनकी टीम जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुंदर आउटफिट दिया है आप देख सकते हैं। और मेरी ऑफिशियल डिज़ाइनर है आरोही डोले, सो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने इतना सुंदर आउटफिट बनाया। और मैं चाहती हूँ ऐसे कॉजेज होते रहने चाहिए जिससे आने वाले जो युवा हैं, यूथ है, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है और हम लोगों को भी इस इवेंट में आने का एक अच्छा मौका मिलता है। ऐसे तो हम बहुत इवेंट्स करते रहते हैं बट जब सोशल कॉज की बात आती है तो हम लोग प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे थॉट आया कि इस तरह का कोई इवेंट भी होना चाहिए क्योंकि जनरली हम लोग काफ़ी सारे फैशन शो तो करते ही है, बट रिसेंटली पवन सर ने मुझे कॉल किया और बोला कि हम कुछ इंडियन थीम पे करना चाहते हैं। अभी मैडम से भी बात हुई कल, मैडम अवेलेबल थी तो मैंने बोला हम हमारे साथ
पहले तो थैंक यू बोलूँगा शिल्पी मैम को जो उन्होंने टाइम निकाल के हमारी ब्रांड के लिए कुछ किया, तो इट इज़ प्लेजर फॉर अस। और बाकी और एक सिक्वेंस है हमारा पेंडिंग जो प्योरली ये तिरंगा पे है, तो लास्ट में रहेगा, तो कुछ सरप्राइज है। और ब्लैक पर्ल स्पेशली थैंक्स बोलेंगे आप फोन मीडिया को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, एंड थैंक यू वेरी मच। जी सबसे पहले तो मैं इस इतने बड़े मंच का और इतने बड़े प्लेटफॉर्म का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी ने जो थीसिस प्रोग्राम अरेंज किया था उसमें लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे डॉक्टरेट ऑनररी डॉक्टरेट दी गई है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से पवन जी का भी आभारी हूँ। और इस अवसर पर जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य बापूजी पद्मश्री कनुभाई टेलर भी आज यहाँ पर उपस्थित है, वो ऑल द वे फ्रॉम सूरत यहाँ पर आए हैं, इस प्रोग्राम में हाजिरी दी है, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके ही मार्गदर्शन में आज तक हम लोग भी सोशल सर्विस करते रहे हैं, उनके डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी हम लोग लीगल सर्विस प्रोवाइड करते रहे हैं। और लॉ प्रोफेशन के साथ जुड़े होने की वजह से बहुत से ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर हम लोग को भी सोशल सर्विस करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और ये सब हमारे पूज्य बापूजी कनुभाई टेलर की वजह से हमको अवसर प्राप्त हुआ है। और इसी वजह से मैं इवन पवन जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये थीसिस प्रोग्राम अरेंज करके हमें ये डॉक्टरेट प्रदान किया है। थैंक यू सो मच।